दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरें। सुष्मिता सेन के भाई राजीव की हुई सगाई, अभिनेत्री ने दी जानकारी। अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर अपने भाई राजीव और टीवी एक्ट्रेस चारू अशेपा की तस्वीर शेयर कर उनकी एंगेजमेंट की जानकारी दी है। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा, राजा भैया तुम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो, इस एंजल को हमारी जिंदगी में लाने के लिए थैंक यू। उन्होंने लिखा, शादी में मैं दोनों तरह से नाचूंगी, किसी के सामने भारत के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करने की जरूरत नहीं। अक्षय से खेर, अनुपम खेर ने रविवार को अक्षय कुमार को टैग करते हुए ट्वीट किया, मैंने कई जगह पढ़ा कि आप लोगों के सामने देश के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। उन्होंने आगे लिखा, कुछ लोगों का काम है आपके और मेरे जैसे लोगों को यह महसूस कराना कि हमें भारत के पक्ष में बोलने से बचना चाहिए। मालिक बोला था कि मैं नहीं चला पाऊंगी। 1960 के दशक की लैंड रोवर चलाने पर कटरीना, एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने भारत की शूटिंग के दौरान एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह 1960 के दशक की लैंड रोवर चला रही है। कटरीना ने लिखा, मेरे पास बैठा शख्स इस कार का मालिक है और इसका मानना था कि मैं इस कार को नहीं चला पाऊंगी, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं इसे चला लूंगी। जब ऋतिक से मिली थी तब वह स्टार नहीं बने थे, पर मेरे लिए वह सुपरस्टार थे सुजन। अभिनेता ऋतिक रोशन को लेकर उनकी पूर्व पत्नी सुजन खान ने एक चैट शो में कहा है कि जब वह ऋतिक से पहली बार मिली थी तब वह सुपरस्टार नहीं बने थे, लेकिन उनकी आंखों में वह तब भी एक सुपरस्टार थे। बतौर सुजन ऋतिक उनका सपोर्ट सिस्टम है और उनकी दोस्ती के कारण वह कभी अकेला महसूस नहीं करती। घूंघट वाले बयान पर माफी मांगे वरना आंखें निकाल लेंगे, जावेद अख्तर से करनी सेना। करनी सेना ने गीतकार जावेद अख्तर के बयान, अगर बुर्का बैन होता है तो घूंघट की प्रथा पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए को लेकर उन्हें 3 दिन में माफी मांगने को कहा है। महाराष्ट्र करनी सेना के अध्यक्ष ने कहा, अगर माफी नहीं मांगी तो हम आपकी आंखें निकाल लेंगे और जीप खींच लेंगे, हम आपके घर में घुसकर आपको मारेंगे। तो एमएनएस न्यूज आई की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।